एंड जब मैं इसको राइड कर रहा था काफी बड़ी वाली फीलिंग आ रही थी. मे बी दिस बाइसाइकिल इज गुड इनफ फॉर इफ यू गोना सी द गियर्स ऑफ दिस बाइसाइकिल. दिस इज आई गेस द मेन पॉइंट बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कुछ मानो टॉप प्राइम आता है. हम इसकी ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट कर ले. 2-1. Hey guys, this is Fat Baker Vaibhav and today I have a new bicycle from Toronto and this is Toronto Niagara. Looking at the frame, the paint job is actually really good. You can also see कि यहाँ पे आपको internal cable routing भी दिख जाती है. Going over the specs, तो आप इसका suspension notice करेंगे. तो यहाँ पे Toronto 38 लिखा हुआ है. ये वाला variant मैंने कभी भी notice नहीं करा अभी तक. लेकिन this is the first variant जो मैं test out करूँगा. And future में मैं आपको इसका review भी दे देता हूँ. Just to show its smoothness, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है. The stem of the bicycle is 3D forged. So generally ये जो stem होती है, वो stronger होती है normal stem से. अगर आप इसका headset देखेंगे, this from Neko. लेकिन एक चीज मुझे यूनिक दिखी कि अगर आप स्पेसेस देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको नेको दिख जाता है. हर एक स्पेसेस पे अलग अलग. जब भी मैंने जर्नली नेको की स्टेम्स देखी हैं तो वहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं वो ब्लैंक ब्लैक आते हैं. नाउ मैंने पीछे इसकी ब्रेक्स नोटिस करी एंड एक चीज नोटिस करी कि जो फ्रेम है उसके अंदर ही इसकी जो ब्रेक की कैलिपर है वो प्लेस्ड है. जर्नली जो भी कैलिपर्स होते हैं वो टॉप पे प्लेस्ड होते हैं. एंड मैंने एक और चीज नोटिस करी कि यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट ऑप्शन थे. तो मे बी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हो सकता है इसमें आप अपग्रेड कर सकें पीछे का रोटर एंड 180mm भी लगा सके. अगर आप ब्रेक्स नोटिस करेंगे दीज आर फ्रॉम लोगन एंड इसकी टेस्टिंग में मैं लास्ट में आपको करके दिखा दूंगा. नाउ लोगन की ब्रेक्स में ये जो पर्टिकुलर मॉडल है डिफरेंट ये है कि आप इसको फिंगर से भी यहाँ से टाइट कर सकते हो एक साइड से एंड दूसरी साइड से भी आप टाइट कर सकते हो. जनरली जो लेफ्ट साइड होती है ब्रेक की उसमें आपको एलन की यूज करनी पड़ जाती है. अगर आप टायर्स नोटिस करेंगे दीज आर फ्रॉम टोरंटो. इसमें कोई भी एग्जैक्ट मॉडल नहीं लिखा हुआ है जैसे मैंने पुराने वाली वीडियो में बताया था आपको. लेकिन जब मैंने कंपनी नोटिस करी दिस वॉज फ्रॉम हार्टेक. अब हार्टेक की बहुत बड़ी बात मुझे लगती है भाई किसी भी मॉडल लिखा ही नहीं होता. ये उनको जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि अलग अलग मॉडल अलग अलग वेरियंट जैसे हाइब्रिड के अलग MTB में कौन से फास्टर है कौन से ग्रिप ज्यादा है सबका अलग करना चाहिए. द फ्रेम साइज ऑफ दिस बाइसाइकिल इज 18.5 एंड जब मैं इसको राइड कर रहा था काफी बड़ी वाली फीलिंग आ रही थी. मे बी दिस बाइसाइकिल इज गुड इनफ फॉर टॉल राइडर्स ऑल्सो. अगर आप नोटिस करेंगे आपको सामने यहाँ पे क्विक रिलीज भी मिल जाता है. सो अगर आप किसी भी कार जर्नी पे जा रहे हैं दूर जा रहे हैं तो आप फ्रंट व्हील खोल के इसको गाड़ी के अंदर भी इजीली डाल सकते हैं. नाउ इफ यू गोना सी द गियर्स ऑफ दिस बाइसाइकिल दिस इज आई गेस द मेन पॉइंट बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कुछ शिमानो का एल्टस मिल जाता है. रैंकिंग में देखेंगे थर्ड रैंक पे आता है सबसे पहले टीजर आता है देन आप शिमानो टूर्नी आता है एंड फिर जाके एल्टस आता है. फर्क ये पड़ता है इसकी शिफ्ट स्पेडर होती है एंड अगर आप जॉकी व्हील देखेंगे वो भी थोड़े से साइज में बड़े होते हैं तो जो आपको चेन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होती है. एंड ओवरऑल शिफ्टिंग अगर आप टूर्नी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी बेटर होती है. जो पीछे फ्री व्हील आता है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शिमानो एंड दिस इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस पॉइंट. सामने अगर आप FD देखेंगे तो वो भी आपको शिमानो टूर्नी का ही मिल जाता है. द क्रैंक हाउएवर दिस इज फ्रॉम PLX. अगर आप सीट नोटिस करेंगे दिस इज ऑल्सो फ्रॉम टोरंटो एंड जब मैं इसको राइड कर रहा था तो मुझे ज़्यादा ही कंफर्टेबल लग रही थी. काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है नॉर्मल से एंड यहाँ से भी अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज ऑल्सो ब्रॉड. अगर आप शिफ्टर नोटिस करेंगे दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शिमानो तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो पूरा ग्रुप सेट है वो आपको शिमानो का ही मिल जाता है. देन अगर आप सामने नोटिस करेंगे जो आपका हेडसेट की चीज़ है ये आपको टेपर्ड दिखती है एक्चुअल में नॉर्मली लेकिन ये भी थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है. नीचे अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो वायर मैनेजमेंट है कुछ ज्यादा अच्छी करी हुई है बिकॉज जो सारी बाइक की वायर है जैसे तीन मुझे यहाँ पे दिख रही है वो सारी की सारी यहीं से निकल रही है. जनरली आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग निकलती है. सो अब प्राइम आते हैं हम इसकी ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट कर ले. एज इज अ स्टील बाइसाइकिल तो मुझे लगता है इसकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा लोअर होगी एज कम्पेयर टू अ एलॉय बाइसाइकिल. सो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं बॉटल को एंड फिर डिस्टेंस लेते हैं. हम 20 की स्पीड पे जाएंगे एंड 25 की स्पीड पे भी टेस्ट करेंगे. 11, 15, 20, 3, 2, 1. कलर टेस्ट कितना है? ये तो बहस है. फेस आईडी काम नहीं करती इसकी. 91 से नहीं फास्ट तो नहीं है. हाँ फास्ट है सॉरी 91 से फास्ट चाहिए. 91 की वो होगी हमारी अल्ट्रा. ठीक है और कोई स्टील की बाइसाइकिल है नहीं हमारे पास. ठीक है वो तो एक और हमारी स्टील बाइक आएगी तो पता रहेगा. ऑल्सो कंपनी ने हमें एक और चीज़ बताई है कि इसमें आपके जो बेरिंग्स आते हैं वो सील्ड बेरिंग आते हैं आगे और पीछे के दोनों होंगे ये. सो टोरंटो की आजकल जितनी बाइसाइकिल्स आ रही है उनमें यही हो रहा है. नाउ एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस एंड मैं इस वाली बाइसाइकिल का कोई डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ. सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट ये जो बाइसाइकिल है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स में आपको ये मिल जाती है. देन अगर आप इसका फ्रेम नोटिस करेंगे दिस इज स्टील फ्रेम. सो जनरली जो स्टील फ्रेम की बाइसाइकिल होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है इसलिए इसका वेट जो है मुझे थोड़ा सा हैवी लगा.
लेकिन अगर आप दूसरी स्टील बाइसाइकिल से कंपेयर करेंगे तो वो इक्विवेलेंट ही है। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप दूर से देखेंगे तो एल्यूमिनियम फ्रेम टाइप की ही लगती है। इसकी जो लुक्स है मुझे काफी ज्यादा इसमें अच्छी लगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टील बाइसाइकिल। सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। अभी तक मुझे इसका प्राइस नहीं पता एक्जैक्टली, क्योंकि प्री लॉन्च बेसिस पे आती है मेरे पास, लेकिन आई गेस 20,000 के अंडर ये बाइसाइकिल होगी। एंड उस हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या ये बाइसाइकिल वर्थ है या फिर नहीं। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लेट मी टेक फ्यू क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम यूट्यूब। सो लेट्स सी पुरानी वाली वीडियो में फर्स्ट कमेंट किसने किया। दिस इज फ्रॉम देव मिश्रा इन लिखा फर्स्ट, एंड जो फर्स्ट आता है उसको मैं हार्ट मार्क कर देता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेजेंड गेमर्स, इन लिखा हुआ है हाउ टू क्लीन चेन विदाउट यूजिंग डीजल। सो अगर भी डीजल नहीं है तो आप डी ग्रीजर यूज कर सकते हैं जो आपको साइकिल शॉप में मिलता है। आपको इसका चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए, आप सोपी वाटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन उससे इतना क्लीन नहीं होता है। एंड अगर आप केरोसिन ऑयल टाइप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज रेगुलरली रिकमेंडेड, लेकिन थोड़े से आपके ऑल्टरनेटिव है अगर आप डीजल यूज करना नहीं चाहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रुद्र दहोरिया, लिखा हुआ है पॉलीगन वर्सेस ट्रैक। वेल आई वुड से अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए या बहुत ज्यादा हाई कॉम्पोनेंट चाहिए तो आप ट्रैक प्रेफर कर सकते हो। एंड समझ लो आपका बजट नहीं है बिल्कुल भी, आपको कोई भी बाइसाइकिल चल जाएगी तो आप यहाँ पे पॉलीगन भी प्रेफर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन है, बिकॉज आपके पैसे हैं ये। अगर मेरे पैसे होते हैं तो मैं ऑब्वियसली एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता, क्योंकि वही वाली बात होती है जितना आप पैसा स्पेंड करते हैं उतनी ही आपको क्वालिटी जनरली मिल जाती है। Hey guys, this is Fat Baker Vaibhav and today I have a new bicycle from Toronto. This is the Toronto Niagara. मैं बाबा Niagara क्यों बोलता हूँ? पिछली बार मैंने रील में भी यही बोला है। इनके वही है कनाडा वाले सारे Niagara? सारे कनाडा के नाम यही आ रहे हैं भाई। Now if you wanna see the stem over here, this is actually 3G forged. So this is stronger than regular. मैंने कुछ और बोला? अच्छा, the stem of the bicycle is 3G forged. सच में 3G बोला मैंने। The stem of the bicycle is 3D forged. एक चीज नोटिस कर रहा है? ये सबके सब भैंस के मोटे, कितने मोटे हैं भाई? उसकी हालत है वो, ये सब यही खिलाते हैं इनको, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। ये यहाँ के देख लो ना, ये पास में आ जाओ, यहाँ से देखो, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। कैसे लग रही है बाइसाइकिल? मुझे क्या पता, तुम बताओगे ना कैसी है चलाने में। पास हो, अच्छा तो नीचे करो, वो टेक्निकली देखा जाए मैं कैसे चला रहा हूँ, कमर से ऊपर है ये। नहीं लिया? नहीं नहीं, पुरानी खरीदी है, फिफ्थ हैंड। लैम्बो मिली नहीं थी तो मैंने कहा टोरंटो ले लो। सीट तो नीचे करो, चला के देखूं। तुझे चलानी है? अरे अरे अरे, पूरी नीचे होगी भाई, मजा आएगा। कैसे लगी भाई? भाई भाई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे बाइसाइकिल रिव्यूज देखने हैं तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, एंड टिप्स मिल जाएंगे साइकिलिंग रिलेटेड। एंड अगर आपको ये पता करना है कि इवेंट्स कहाँ पे होते हैं रेगुलरली साइकिलिंग के, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, दिस इज फैट बेकर वैभव साइनिंग ऑफ। पुलिस थी, बस यहाँ मुझे नहीं पता था भाई।